यहाँ पर आपका हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और ये वीडियो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और आपके सॉल्यूशन के लिए ये चीज़ लाया गया है जो आपका यूपी टेट 2021 का जो एडमिट कार्ड बहुत सारे बच्चों का डाउनलोड नहीं हो रहा है दोस्तों, तो उसका फिक्स यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। ये प्रॉब्लम खुद मैंने भी फेस किया है और इसीलिए अब जाके जो जब प्रॉब्लम मेरी है तब जाके मैं ये वीडियो आप सभी के लिए बना रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये ऐसा ऐसा हुआ है कि आप सभी लोगों का एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कुछ लोगों का डाउनलोड हो गया है लेकिन बहुत सारे लोग कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका नहीं हो पा रहा है। तो पहली चीज और पहला जो यहाँ पर इश्यू जो आता है, जो पहला इश्यू आपको आ रहा है, पहला इश्यू जो आपको आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपका जो पासवर्ड है, जब आपने फॉर्म भरा था तो आपने जो पासवर्ड बनाया था या कुछ भी था, ठीक है, तो वो आपका पासवर्ड सही है, आपने लिखा भी होगा कहीं, आपको याद भी होगा, लेकिन अब आप जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर उस पासवर्ड को डाल रहे होंगे तो वहाँ पर वो पासवर्ड रॉन्ग रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड रॉन्ग बता रहा होगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सभी के साथ हो रहा है और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो इसका आपको क्या करना है, मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा, आपको बस क्या करना है ये मैंने खुद आजमाया है। तो और दोस्तों कोशिश करना कि अगर ये जो वीडियो बच्चे अभी देख रहे हों, ये मैं अभी ये जो वीडियो डाल रहा हूँ ये रात के 12:30 बजे के बाद ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ, इतनी कोशिश करने के बाद ये प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हुई है। तो करना क्या है आपको, आपको जाना है और वहाँ पर जो आप जब आप लॉगिन करोगे यूपी डाल जो की जो साइट है, ठीक है, DLA.in की जो साइट है उस पर जब लॉगिन करोगे तो उस पर आपको फॉरगेट पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको वहाँ पर नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, तो उस पर आपको क्या करना है, उस पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपके ईमेल पे आपको उसका पासवर्ड जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा ईमेल आईडी पे दोस्तों, जो आपने फॉर्म भरते हुए लगाया था। ठीक है, वहाँ से फिर क्या करना है, मैं 1 सेकंड आपको सारी चीज़ें मैं यहाँ पर दिखा दूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, 1 सेकंड गाइस, आपको 1 सेकंड दीजिएगा। इस प्रकार का आपको कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर रीसेंट का जो ये ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके ईमेल आईडी पे आपका इसका पासवर्ड चला जाएगा। वहाँ से आपको क्या करना है, अपने ईमेल आईडी से उस पासवर्ड को कॉपी करना है और इसी पेज पे यानी कि फिर से मतलब कि इसी पेज पर आना है और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जो OTP अभी आपके पास गया है 1 टाइम पासवर्ड उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद कैप्चा पर क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आएगा। आप लोग वहाँ पर जैसे ही अपना नया पासवर्ड बनाओगे 8 अंकों का और उसके बाद क्या होगा, आपका सक्सेसफुली हो जाएगा और जब आप यूपी का अब फिर जब आप एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करोगे तो जो आपने नया पासवर्ड बनाया है आप उसी को ही डालिएगा, आपका एडमिट कार्ड 100% आपका डाउनलोड हो जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ये प्रॉब्लम तो है, साइट की प्रॉब्लम है, सर्वर की प्रॉब्लम है, ये है, लेकिन ये पासवर्ड अपडेट की भी प्रॉब्लम है। हमने सही पासवर्ड डाला था फिर भी नहीं ओपन हो रहा था, तो क्या करें, हमने अपना पासवर्ड अपडेट कर लीजिए, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, एक बार में नहीं लेकिन दूसरे बार में आपका पासवर्ड डाउनलोड हो जाएगा। और कोशिश कीजिएगा कि अभी के अभी आप लोग कर लीजिए ताकि सुबह बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगा सर्वर इसके लिए। तो ये प्रॉब्लम चल रही थी, ये सब लोग कह रहे थे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सर्वर से, ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पर प्रॉब्लम फिक्सन की प्रॉब्लम चल रही है, जो पासवर्ड प्रॉब्लम की ही या फिर जो प्रॉब्लम चल रही थी वही था अपडेट करने का, तो उसे ही हम लोगों ने अपडेट किया है और अब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है इसको करने के बाद तो दोस्तों आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक और नीचे कमेंट बॉक्स बताना है कि आपका हुआ कि नहीं हुआ, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको उसका रिप्लाई पर्सनली करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू, जय हिंद जय भारत दोस्तों।